अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाऊंगी जीमेल कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले आपने जाना है जीमेल पर। जीमेल से आपने देखे मेरे पास एक अनदर अकाउंट बना हुआ है, तो पहले तो मैं इस पर क्लिक करूंगी, मैनेज योर गूगल अकाउंट। जब आप मैनेज करेंगे तो यहाँ पर जाएंगे, तो मैं तो एक अनदर अकाउंट आपको बनाना सिखाने जा रही हूँ कि अकाउंट कैसे बनाते हैं। अब वो मुझसे वेरीफाई करने के लिए पिन कोड मांग रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर आप कोई भी ईमेल और फ़ोन नंबर कुछ भी यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लगा रही हूँ हेलो किटी 1 2 3 4। यहाँ पे ये वाला साइन gmail.com। नेक्स्ट करते हैं। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास वो कहेगा इंटर योर पासवर्ड, पासवर्ड लगाने आपने। अब आप पासवर्ड कुछ भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट टाइम वो इंटर योर पासवर्ड रॉन्ग पासवर्ड ट्राई टू क्लिक फॉरगेट पासवर्ड टू रिसर्च इट। अब हम लगाएंगे इस पे पासवर्ड। देखिए अब कहता है कुड नॉट यू नो, मेरे पास तो एक अनदर अकाउंट बना हुआ था इसलिए वो मेरा अकाउंट नहीं बना रहा। जैसे ही आप यहाँ पे अपना पासवर्ड लगाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, अकाउंट बन जाएगा। अब मैं आपको बनाना सिखाती हूँ और मैं आपको एक और ट्रिक बताती हूँ कि हम कैसे कोई भी वीडियोस या कुछ भी डाटा जो है हमने अगर शेयर करना हो तो हम कैसे शेयर करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर कोई आपने प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो आप शेयर करना चाहते हैं, तो जैसे ये है मैं इसको क्या करती हूँ, ये मेरे पास एक टॉपिक है तो मैं इसको शेयर करना चाहती हूँ। तो आपने इसको पहले तो ओपन कर लेना है। ओपन करने के आपने यहाँ पे शेयर पे जाना है। शेयर पे जाने पर जाने के बाद फुल डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, नेक्स्ट आपने क्या करना है जीमेल पे जाना है। जब आप जीमेल पे जाएंगे तो सबसे पहले तो आपका जो है वो लिख के आ जाएगा, तो सेकंड नंबर पे आपने फिर जो लिखना है, मैं तो अपना ही लिख रही हूँ, आपने जिसको सेंड करना है उसका लिखना है यहाँ पे जीमेल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसको आप सेंड कर देना। जब आप सेंड करेंगे तो आप जीमेल ओपन करेंगे तो आपको शो हो जाएगा कि जो आपने जो फाइल जो है वो सेंड की है वो आपको शो हो रही है। अगर इसी तरह आप कोई वीडियोस या कोई फ़ोटोज़ वगैरह सेंड करना चाहते हैं तो वो आप सेंड कर सकते हैं। अब जैसे ये 2 वीडियोस हैं, सही है, इनको मैं क्या कर लेती हूँ, एक वीडियो को मैं करती हूँ शेयर करती हूँ जीमेल से। किसको सेंड करनी है वो पूछ रहा है, तो मैं इसको कुछ भी लिख सकती हूँ। तो मैं इसको शेयर करना चाहती हूँ, तो आपने इसको पहले तो ओपन कर लेना है। ओपन करने के आपने यहाँ पे शेयर पे जाना है। शेयर पे जाने पर जाने के बाद फुल डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, नेक्स्ट आपने क्या करना है जीमेल पे जाना है। जब आप जीमेल पे जाएंगे तो सबसे पहले तो आपका जो है वो लिख के आ जाएगा, तो सेकंड नंबर पे आपने फिर जो लिखना है, मैं तो अपना ही लिख रही हूँ, आपने जिसको सेंड करना है उसका लिखना है यहाँ पे जीमेल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसको आप सेंड कर देना। जब आप सेंड करेंगे तो आप जीमेल ओपन करेंगे तो आपको शो हो जाएगा कि जो आपने जो फाइल जो है वो सेंड की है वो आपको शो हो रही है। अगर इसी तरह आप कोई वीडियोस या कोई फ़ोटोज़ वगैरह सेंड करना चाहते हैं तो वो आप सेंड कर सकते हैं। अब जैसे ये 2 वीडियोस हैं, सही है, इनको मैं क्या कर लेती हूँ, एक वीडियो को मैं करती हूँ शेयर करती हूँ जीमेल से। किसको सेंड करनी है वो पूछ रहा है, तो मैं इसको कुछ भी लिख सकती हूँ। मैंने फिर अपना ही मेल अकाउंट दे दिया इसको, मैंने क्या कर दिया सेंड कर दिया। जब आप इसको सेंड करेंगे तो जीमेल पर जाएंगे तो जीमेल पर देखेंगे कि वो आपको रिसीव हो जाएगा। ये देखें, वैसे डाउनलोड भी कर सकते हैं इसको, वो ऑलरेडी हमारे पास क्या है वो सेव हो चुका है।
नेक्स्ट अगर आप इसको भी सेव करना चाहते हैं तो आप इसको भी सेव कर सकते हैं। देखिए खुद ब खुद ही ओपन हो जाती है। देखिए आप कोई भी चीज़ एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं, आप कोई फोटो भी शेयर कर सकते हैं, मैं वो भी शेयर करके आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो आप कैंट्री भेजें, जैसे आप ये फोटो थी आप शेयर करना चाहते हैं तो हमने क्या करना है, अपने जीमेल अकाउंट पे जाना है। वेयर इज माय जीमेल अकाउंट, अपने जीमेल पे जाना है। जीमेल पे जाने पर आप ये देखिए फोटो नीचे शो होती है, जब ये फोटो शो नहीं होगी मीन्स कि आपकी जो कोई वीडियो है या कुछ भी आप सेंड करना चाह रहे हैं वो शो नहीं होगा, मीन्स कि आपने उसको अच्छी तरीके से यहाँ सेलेक्ट नहीं किया। अगर सेलेक्ट किया तो वो ज़्यादा MBs की है जो सेंड नहीं हो रही, तो आप यहाँ पे जिसको आप सेंड करना चाह रहे हैं उसका नाम लिखेंगे और क्या कर देंगे, सेंड कर देंगे। जब आप सेंड करेंगे जीमेल ओपन करेंगे तो आपको इधर शो भी हो जाएगा कि आपने एक फ़ोटो सेंड की है और वो आपको रिसीव हो गया। देखें मुझे जो है एक फ़ोटो रिसीव हो चुकी है। आप इसको सेव भी कर सकते हैं, सेव कैसे कर सकते हैं आप इसको, आप यहाँ से इसको सेव भी कर सकते हैं, आपके पास गैलरी में सेव हो जाएगी, देख सकते हैं आप ऊपर लिख के आ गया। तो सबसे इजी तरीका आपको मैंने बता चुकी हूँ, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप यहाँ से भी ऐड अनदर अकाउंट यहाँ पर भी कर सकते हैं, आप ये चीज़ कब बनाना चाहते हैं। सेम इसी तरह जैसे मैंने ये बताया है यही आपने ईमेल अकाउंट अपने यूट्यूब पे भी लगा के देख लगा सकते हैं। उसके बाद आप इसको कहीं और वेबसाइट पे भी अगर लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी लगा सकते हैं। ये एक ईमेल अकाउंट आपका बन चुका है। शुक्रिया।